नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवर्ष न्यूज चैनल पर। मैं अनुज आपके साथ। आज हम मौजूद हैं नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में। अब हम पहुंच चुके हैं कंट्रोल रूम में। यहाँ पर विपिन जी हमारे साथ मौजूद है, वो हमें जानकारी देंगे कि यहाँ पर कितने सारे स्टॉल लगे हुए हैं और कौन कौन सी चीज़ें किसान मेले में किसानों को देखने को मिल सकती हैं। सभी जानकारी लेंगे विपिन जी से। विपिन जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे किसानों को, कितने स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ के स्टॉल हैं यहाँ पर? जी, ये राष्ट्रीय डेयरी मेला 2020 है, जो हमारे इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा आयोजित किया गया है। हर वर्ष की बात ये, मतलब हर साल ये लगने वाला एक मेला है, जो डेयरी से रिलेटेड मीन्स पशुओं से रिलेटेड और दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ होती हैं उसके बारे में यहाँ किसान लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। और यहाँ पे विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जैसे कि पशु सौंदर्य प्रतियोगिता है, महिलाओं द्वारा पनीर बनाने की प्रतियोगिता है और महिलाओं द्वारा दुग्ध दोहन प्रतियोगिता है। तो इस का यहाँ पर आयोजन किया गया था और यहाँ पर कुल मिला के 55 स्टॉल हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा स्टॉल जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जैसे कोई उन्नत क्या कहते हैं कोई एनजीओ से रिलेटेड कोई किसान लोग लो अच्छा चला रहे हैं, उनका यहाँ पे स्टॉल है। बाकी प्राइवेट स्टॉल्स भी यहाँ पे हैं, जैसे कि कोई ट्रैक्टर की कंपनी है, कोई इक्विपमेंट की कंपनी है, उनके स्टॉल्स यहाँ पे हैं। और उसके बाद जो बचे हुए स्टॉल यहाँ पर हैं वो हमारे NDRI के डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे एनिमल बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है और KVK का जो NDRI का जो स्टॉल है, और डिफरेंट स्टॉल्स यहाँ पे लगा रखे हैं, जिससे अलग अलग प्रकार की जानकारी किसान भाइयों को प्रोवाइड की जा रही है। और यहीं पे मेले पंडाल जो यहाँ पे लग रखा है मेले परिसर के अंदर, वहाँ पर जो कृषि वैज्ञानिक हैं यहाँ के, डेयरी वैज्ञानिक हैं, उनके साथ मिलके किसान लोग बातचीत कर रहे हैं। किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिससे उन्हें उनकी जो जितनी भी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, उनका हल प्रदान किया जा रहा है। और इसके अलावा मीन्स जो लोग आगे अपना डेयरी मेला के थ्रू डेयरी बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूरी जानकारी यहाँ पर उन्हें मिल रही है। इस तरीके से यहाँ पे मैं बात करूँ तो कितने किसान रेगुलर में यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर रेगुलर में आप कंट्रोल रूम में बैठे हैं, कितने किसान यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, लास्ट अभी ये 3 दिन का जो आयोजन है मेले का, इसमें से अभी 2 दिन पूरे होने वाले हैं, तो लगभग यहाँ पर 5,500 से ज़्यादा एंट्री हम कर चुके हैं यहाँ पर कंट्रोल रूम के अंदर। और बाकी अलग से आने वाले जो किसान हैं वो गेट नंबर 2 पर दूसरा पशुओं के रजिस्ट्रेशन अपना करवाते हैं, तो वहाँ पे उनकी गिनती अलग की जा रही है। तो उसका टोटल संख्या जब पूरा 3 दिन मेला ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हमें पूरी जानकारी दे पाएंगे इसके बारे में। नमस्कार मैम, कैसा लगा आपको मेले में? बहुत बढ़िया है, सब नई ब्रीड नहीं पर प्योर ब्रीड है यहाँ पर देखने के लिए, तो आपको ब्रीड की पहचान करने में आसानी है। और जैसे डिफरेंट फीड है, ऑर्गेनिक फूड भी मिल रहे हैं एनिमल के और ह्यूमन यूज के लिए भी मिल रहे हैं, सब नया अच्छा एक्सपोजर है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, कैसा लगा जी? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत चीज़ देखने को मिला, अच्छे अच्छे डंगर, अच्छी अच्छी गऊ माताएँ और बड़े अच्छे किसान हैं जो इनकी मतलब रखवाली कर रहे, पढ़ रहे, बहुत बढ़िया भाई साहब। सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी जो आज के टाइम है? नहीं, बढ़िया तो यह लगी, लोगों को इतना टाइम नहीं है, मतलब कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहे हैं, पशुओं पर इतना ध्यान दे रहे हैं, कहीं लाख रुपये के पशु है, कोई तो विदेश के चक्कर में पड़ रहा है, कोई नौकरी के चक्कर में। मैं तो इन किसान भाई है ना बड़ा बधाई देना चाहूँ जी ना, इतना मतलब अपने बच्चे तक बढ़ के पाले हैं इनको, मेरा तो यही संदेश है भाई, जो बढ़िया है मतलब अच्छा बढ़िया मज़ा आया यहाँ पर देखने ना। अच्छा, जो खेती से रिलेटेड भी कोई जानकारी मिली आपको? खेती में देखो जी, मेरा क्या है जी, मारा इतना खेती वाली भी हालत होया नहीं, वैसे खेती वाला भी बढ़िया है, कोई बीज का कर रहा प्रचार, कोई कहीं का कर रहा, तो मारी तो डांगरा ना देखने की च्वाइस थी, वो देखे है क्यों दूध दाध का काम करे जावा थोड़ा बहुत हम इसलिए। अच्छा, कोई संदेश देना चाहेंगे किसानों? संदेश यही है भाई साहब, जो बढ़िया कर रहे हैं मतलब इतना टाइम निकाल रहे हैं इनके लिए, आज के टाइम में मतलब टाइम नहीं होता अपने आप पे खातर, कोई बार बाज रहा कोई के पीछे के चक्कर में, लेकिन ये पशुओं के पढ़ रहे हैं और करोड़ों करोड़ों रुपये के पशु है भैया, देखे बड़े अच्छे अच्छे गौ माता भी, गायें भी, भैंस भी, झोटे भी, मतलब हमें अपनी खेती बाड़ी की तरफ, अपने पशुओं की तरफ ध्यान देना जरूरी है। हाँ, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है भाई, नौकरी चाहिए बाहर विदेश भाजना चाहिए, अरे इतना बढ़िया काम है यार, करोड़ों करोड़ों रुपये के डंगर बंद रहे जिसका, क्या करेगा वो विदेश? हर भाई जो खेती कर रहे हैं जिस पर दो दो चार चार किले, एक एक लाख रुपये की जिनस कट रहे हैं, तो ये थोड़ी है भाई नौकरी और बार बार जाना, ये मेरे को बड़ा अच्छा पसंद आया भाई। अच्छा मेला था। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? राम राम भाई जी, क्या कहना चाहेंगे सर मेले के बारे में? मेले के बारे में आप सभी लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि भाई
हम जो किसान भाई हैं खेती के साथ साथ हमें पशुओं पर भी ध्यान देना चाहिए और यहाँ मेले में अच्छी किस्म के पशु आए हुए हैं। 67 लीटर तक दूध देने वाली गायें भी आई हुई हैं, अच्छी नस्ल की भैंसें भी आई हुई हैं जो 20-20 18-18 19-19 किलो दूध दे रही है। हम सभी किसान भाइयों को संदेश देना चाहते हैं कि खेती के साथ साथ सब पशुओं पर भी ध्यान दें।